थ्योरी 1948 के अंदर स्टॉकडेल ने ट्रेड थ्योरी दी। इसने कहा कि लीडरशिप एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन इन अ सोशल सिचुएशन एंड दैट पर्सन हु आर लीडर्स इन वन सिचुएशन में नॉट नेसेसरीली बी लीडर इन अदर सिचुएशन। तो इसको रोल पर्सनालिटी थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? अब इसमें अगर आप देखें तो जो बात हो रही है लीडर का डुअल करेक्टर बताया जा रहा है कि एक जगह पे अगर वो लीडर है तो लाजमी नहीं है उससे थोड़ी सी हट के सिचुएशन उसको आ गई तो वहाँ पे भी वो इफेक्टिवली अपना लीडरशिप का रोल प्ले कर सके। तो स्टॉकडेल ट्रेड थ्योरी कहती है कि सर्टेन क्वालिटीज बेशक इंसान को लीडर बनाती हैं लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होती हैं। अगर उस सिचुएशन से हट के सिचुएशन उसको सामना करना पड़े तो ही मे नॉट नेसेसरीली बी लीडर्स इन अदर सिचुएशंस। तो वो लाजमी नहीं है कि दूसरी सिचुएशन में भी वो वैसे ही अपना लीडर वाला बड़ा इफेक्टिव एफिशिएंट रोल प्ले करे जैसे उसने पहली सिचुएशन में किया था। तो ये फोकस होता है स्टॉकडेल ट्रेड थ्योरी का। तो यहाँ तक हमारी जो लीडरशिप थ्योरीज हैं ये बेसिक वो एंड हो जाती हैं। आगे हम सिचुएशनल थ्योरीज की बात करेंगे। सोशल सिस्टम एनालिसिस, तो ये एजुकेटर्स के लिए जैकब गेटजल्स एंड एगन गोबा ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था सोशल सिस्टम एनालिसिस। ये एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो स्कूल के अंदर जो सोशल यानी टीचर स्टूडेंट्स का आपस में जो ग्रुपिंग है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सोशल सिस्टम एनालिसिस कहलाता है। तो ये जैकब गेटजल्स और एगन गोबा ने इस पर काम किया था, बस आप इतना ही याद रख लें।